भारत का जनमानस सनातन धर्म की संस्कृति के उद्गम स्थल की तरफ बढ़ रहा है, और हमारे उद्गम स्थल 3-4 हैं। एक तो हमारा ये अयोध्या का काशी, अरे अयोध्या काशी और मथुरा। काशी में बाबा विश्वनाथ का विस्तारीकरण सौंदर्यीकरण सारे कार्य कर दिए गए हैं, और ज्ञानवापी मस्जिद जो कि हमारे ऊपर जो हिंदू धर्म पे कुठाराघात हुआ था उसका प्रतीक है, उसकी उस मैटर की भी सुनवाई कोर्ट में चल रही है। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल का एडवोकेट का असिस्टेंट रह चुका हूँ, के वेणुगोपाल जी का। तो मैं आपको तथ्य बताता हूँ, ये सारी भूमि मात्र हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, पहले सिंध था, अफगानिस्तान जहाँ गांधार शासन किया करता था, जो पारस है वो पहले फारस हुआ करता था, हमारा राज्य आज आप पता करेंगे कि इराक तक, इराक में भी खुदाई करेंगे वहाँ भी मंदिर मिलेंगे, वियतनाम में मिलेंगे, सुमात्रा मिलेंगे, जावा मिलेंगे, बाली मिलेंगे, इंडोनेशिया मिलेंगे। हकीकत क्या है, आज तक हिंदू धर्म को दबा के कांग्रेस ने कहिए या वामपंथियों ने कहिए, मैं खुद BHU से इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरी 3-4 विषयों में स्नातक है, अभी वर्तमान में योग चिकित्सक हूँ। श्री राम का मंदिर, श्री रामचरित मानस का प्राकट्य है, रामचरित मानस का मतलब है राम के चरित्र का मानस में अंकन करना। अगर यह बच्चा चाहे 16 साल का हो चाहे 26 साल का हो, इसको आप रामचरित मानस पढ़ाएंगे तो पता है क्या करेगा, बड़े भाई के साथ कभी झगड़ा नहीं करेगा, पिता की आज्ञा स्वीकार करेगा। आप बताइए, जिस घर में माता का इज्जत होगा, पिता का इज्जत होगा, भाई का इज्जत होगा, वो घर जो है स्वर्ग बन जाएगा। जब ऐसे सारे घर बन जाएंगे स्वर्ग, तो राम राज्य आ जाएगा। आप वकील साहब हमारे जो एक मित्र हैं, मैं योग चिकित्सक हूँ, मैं वकील रहा, अभी वर्तमान में योग चिकित्सक हूँ, मैं बताऊंगा योग क्या है। आप 2 मिनट रुकिए जरा, ये भाई साहब थोड़े व्यस्त हैं, हम उनसे बतिया लेते हैं। क्या नाम हुआ दोस्त? पवन कुमार दुबे। आप क्या करते हैं दुबे जी? हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। आप भी एडवोकेट हैं? हाँ। वकील साहब कह रहे मोदी साहब सारी तंत्र व्यवस्था सब समाप्त कर रहे हैं, युवाओं को झुंझुना पकड़ा दिए हैं, नौकरी है नहीं, और सबको धर्म 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 मंदिर 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 इसमें लगा दिए हैं। अच्छा बताइए, किसके हाथ में आपने झुंझुना देखा? किसके हाथ में झुंझुना देखा? अरे सुनो सुनो, उन्होंने अभी एक कहा है, नफरत की जगह मोहब्बत का व्यापार, नफरत। अरे भैया इतनी मोहब्बत थी, 42-45 साल में आज तक शादी नहीं हुई, अरे एक लव मैरिज कर लेते हैं, आज से है। बताइए कौन सी मोहब्बत फैला रहे हो, भाई बहन के रिश्ते को तार तार स्टेज पे ऐसा कर रहे हो, क्या कहे चुंबन स्वामी बने जा रहे हो, और बता रहे हो कि नफरत की राजनीति, कौन सी राजनीति हो रही, बताओ राजनीति बताओ। आपका जो कोर्ट है वो मोदी सरकार के दबाव में चल रहा है, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। कौन सा कोई ऐसा आदेश बताइए, कोई ऐसा जजमेंट लेके आइए जो सुप्रीम कोर्ट ने किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी गवर्नमेंट के फेवर में किया हो। जो वहाँ के न्यायाधीश होते हैं उनको लॉर्डशिप कहा जाता है, न्यायमूर्ति कहा जाता है, ना कि उनको किसी नेता प्रतिपक्ष का या नेता सदन का, उनको न्यायमूर्ति कहा जाता है। वो जो न्याय करते हैं सबके लिए करते हैं, चाहे विधायक हो मंत्री हो। BJP के ऐसे विधायक हम आपको बताएंगे जिनके घर तक कुर कर दिया गया है। BJP के आपके सुल्तानपुर में अभी जानते होंगे पूरी बिल्डिंग गिरा दी गई है, पूरा ध्वस्त कर दे। तो BJP वो किसी के साथ में नहीं है, वो सबका साथ सबका विकास। ये नहीं कि चलो रैली निकाल दो, जो हमारे साथ 500 रुपये दो, आओ आओ भैया लाइन में लगो, पैसा बांटो, अरे कमाक बहुत रखे हो, बहुत बांट लिए, अब बांट के दिखाओ। विकास ना होता अगर उनकी सरकार थी तो गोली चलवाए, BJP की सरकार है तो मंदिर बनवा रही है, जैसी जिसकी इच्छा, जैसे जिसका रक्त है वैसा काम कर रहा है। सनातन है नहीं, कह रहे हैं सनातन, निमंत्रण नहीं मिला, निमंत्रण मिल गया, भौजी कह रहे हैं कि निमंत्रण मिले नहीं मिलेगा तब भी जाएंगे, रे डिंपल भौजी निमंत्रण मिलेगा तब जाएंगे, अब निमंत्रण मिल गया तो उनके हस्बैंड कह रहे हैं नहीं जाएंगे, वो बैंड बजाएंगे, बजाओ बैंड। वो कह रहे हैं ये BJP का कार्यक्रम हो गया, भगवान राम का कार्यक्रम थोड़ी ना रह गया। कहाँ BJP कार्यक्रम, यहाँ पे आपको कहीं BJP का झंडा दिखा? यहाँ पर कहीं BJP का झंडा दिखा आपको? जब नहीं दिखा BJP का झंडा, तो BJP की बात कहाँ से आ गई? जब BJP का झंडा आपको नहीं दिख रहा है, भगवा झंडा दिख रहा है, उसमें कहीं कमल का फूल बना है? BJP का चुनाव निशान क्या है? कमल का फूल। यहाँ कहाँ दिख रहा है कमल का फूल? दिखाओ हमें पूरे अयोध्या में,
बता रहे हो रोजगार नहीं मिला, किसको रोजगार नहीं मिला, बढ़ई है वो काम कर रहा है, राजगीर है वो काम कर रहा है, जो है सब काम पे लगे, कौन आप भी तो काम कर रहे हैं, आज तक कहाँ थे, घर में बैठे थे डिग्री लेके, काम काम हम पहले भी कर ना, नहीं आज कर रहे हैं ना अच्छे से, इसके पहले कहाँ थे। राम मंदिर का केस लड़ने के लिए पैसा साधुओं ने दिया, बीजेपी ने थोड़ी ना दिया, तो मोदी किस हक से उद्घाटन कर रहे हैं पूछ रहे हैं। राम मंदिर के लिए पक्ष के लिए जिन्होंने लड़ा, क्या आपने उनका इंटरव्यू लिया, उनको एक भी पैसे नहीं मिले, उन्होंने निस्वार्थ भाव से राम मंदिर के लिए केस लड़ा, आप उनसे मिलिए एक बार, उनका भी इंटरव्यू लीजिए, वो निस्वार्थ भाव से उनके साथ में जितने लोग लगे हैं और राम मंदिर के निमंत्रण में आएंगे, आप इंटरव्यू लीजिएगा उनसे, फिर पूछिएगा। बाप से पूरा खानदान से लगे हुए है राम भक्त पे, एक भी पैसा कोई नहीं लिया है कैश, और जो बोल रहा है वो सबसे नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोल रहे, अरे नेता हो तो या जज मुंशी हो जज हो, भगवान के लिए कोई पैसा नहीं लिया है, जो बोल रहा है वो खुद पैसा लेके ये बोल रहा है। बीजेपी वालों के ऊपर आरोप लगा रहे विपक्ष वाले के धर्म के नाम पर पैसा जमा, आरोप नहीं है, बीजेपी है तो आज राम राज है, बीजेपी नहीं होती तो राम राज नहीं होता, समझ गए, मोदी है, अरे राम राज अभी और कैसा चाहिए, कैसे चाहिए राम राज, सब एक समान हो गया, समझ गए, छोटा हो जाए बड़ा हो जाए कोई भी हो, सब एक एक पहलू पे चल रहे हैं, और कौन सा ऐसा राजनीत आदमी था कि वो जो एक पहलू पे लिया, मोदी एक ऐसा इंसान है कि जो सबको एक रास्ते पे लेके चल रहा है, समझ गए, मोदी और योगी। हाँ क्या आप राम राज्य की परिकल्पना का मतलब ये है सभी को न्याय मिले, सभी को भोजन मिले, सभी को कपड़ा मिले, सभी को मकान मिले, मोदी ने स्वच्छता के लिए शौचालय दिया, रहने को मकान दिया, गरीबों को आवास दिया, उसके बाद भोजन के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार महीने में दो दो बार राशन देती है, इससे बड़ी राम राज्य की परिकल्पना हो ही नहीं सकती। दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किसने मनवाया, मोदी ने मनवाया, आपके मुंह से निकला, ठीक है, दुनिया में कोई ऐसा नेता बताइए जिसकी आगवानी सारे देश करते हैं, नहीं अभी जो बाइडेन प्रेसिडेंट, आप देखिए दुनिया की दो शक्तियां, देयर आर टू पॉइंट्स ऑफ पावर इन द वर्ल्ड, वन इज रशिया, वन इज यूएसए, दोनों की हालत ये चाहते बीजेपी नहीं, मोदी नहीं, भारत हमारे साथ रहे, भारत मींस मोदी अभी हो गया है, हालत आप ये देखिए, यही चीज है, बोलते हैं मोदी मींस भारत हो गया है, भारत को भी हाईजैक कर लिया मोदी। अच्छा, मोदी ने हमारे देश के लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है जो आज हम यहाँ पर जो देख रहे हैं ये कल्पना से बाहर था। अब सबसे पहले मैं रेलवे पे बताऊंगा मैं आपके लिए, 2014 से पहले रेलवे की बहुत बुरी हालत थी, आपके लिए टिकट नहीं मिलता, रिजर्वेशन नहीं मिलता, आज आप वंदे भारत जैसी ट्रेन, अमृत भारत जैसी ट्रेन और हवाई जहाज में आप ये सोच लें कि कितने एयरपोर्ट उन्होंने डबल से ज़्यादा कर दिए उन्होंने एयरपोर्ट। मोदी ने 80 करोड़ आबादी के लिए क्या दे रहा है, पूरा भोजन फ्री में। तीसरी चीज़ यह है कि अभी के नाम है, अभी लेटेस्ट जो घटना हुई है मालदीव की, मालदीव में अभी घुटनों पर आ गया है वो, और अभी थोड़े दिनों बाद मालदीव जैसा आज पाकिस्तान जो मांग रहा है ना कटोरा लेकर भीख, मालदीव भी मांगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, उसका शुरू हो गया है, लक्षद्वीप हमारा डेवलप होगा और मालदीव वहाँ पर कंगाली आएगी, जैसे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब कटोरा लेके घूमते, तो मोदी ने हमें बहुत दिया है, मोदी ने ऐसे ऐसी सड़कें दी हैं, जैसे एक रोड मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिल्ली से मेरठ रोड 35 मिनट कम्प्लीट है, वो 35 मिनट में आप दिल्ली से मेरठ पहुँचते हैं, कोई सा भी रोड 2014 से पहले कम्प्लीट नहीं था, पहली बार ऐसा हुआ है। और आप बताएं क्या चीज चाहिए आपके लिए, आप कह वही चीज कह रहे हैं, देखिए चाहे अभी राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, कह रहे राम को भी मोदी हाईजैक कर लिए, अपहरण कर लिए राम जी का, ये जो कार्यक्रम धार्मिक होना था निकाल दिए, अपहरण किए हुए को निकाल दिए, जो टेंट में थे उनको घर दे दिए, और मोदी हमको ये दिए कि 2014 से पहले जो प्रधानमंत्री थे उसको ऐसे करके लोग ले जाते थे, आप प्रधानमंत्री को ऐसे करके सल्यूट करते हैं, हमको बाहर तक जीने मरने का जो था ना कि कांग्रेस वाले लोग समझते ही नहीं थे कि दबे कुचले हैं भारत के, बाहर के वर्ल्ड भी यही सोचते थे कि भारत सबसे पीछे है, आज सब लोग उठ के सल्यूट करते हैं, मोदी ने हमको वहां पे पहुंचाया है। महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है, रसोई गैस आपकी महंगी है, कहां नहीं है वो बताइए ना, कहां नहीं है, कहां नहीं है बताइए।
मैं यही कह रही थी कि हमारे देश को जो पहले भारत को दबा कुचला या इधर उधर, और प्रधानमंत्री को जब भी किसी समिट में जाते थे तो ऐसे करके ले जा करके आगे कर देते थे। आप प्रधानमंत्री को सल्यूट करते हैं, भारत के लोग को देख करके बाहर भी, सिर्फ इंडिया में रहने वाले लोग नहीं, बाहर रहने वाले, विदेशों में रहने वाले लोग भी अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि हम इंडियन है। और पहले लगता था कि बस इंडिया के हैं, चलो ठीक है इंडिया के हैं, उनको बहुत सारी चीजों से विमुख किया जाता था। अब ऐसा नहीं है। आप लोग इतना ज्यादा इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं कि राम मंदिर बन गया है इस वजह से? क्यों नहीं बोलेंगे? हमारे राम आ रहे, क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे क्यों नहीं? 500 साल चुप भी तो रहे ना, इतना सब कुछ सहा भी तो है ना हमारे पूर्वजों ने, तो अब बोलने की बारी आई है, क्यों नहीं बोलेंगे? और आगे आने वाले 500 साल और हमारे बच्चे भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जय श्री राम। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जब 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 हम इस बाबरी मस्जिद की बात करते हैं जिसको 1992 में ढहा दिया गया, पहली बात 1526 में बाबर हिंदुस्तान आया, उसका जन्म समरकंद में हुआ, समरकंद का शासक था अफगानिस्तान में, काबुल फरगाना में, अफगानिस्तान में आके उसने शासन किया, फिर वहाँ से जब इंडिया पर अटैक किया 1526 में, तो 27 या 28 में अटैक करके तोड़ा इसने। 1527 से लेके आज तक सिर्फ उसी की सरकार नहीं थी, 1526 के बाद औरंगजेब तक की मुगलों का सरकार थी, लेकिन बीच बीच में जब भी लोगों ने प्रयास किया या तो मुगल या उनके चाटुकारों ने, उन्हें नहीं करने दिया। बाद में जब कांग्रेस की सरकार आई, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों का तो समझ में आता कि वो ईसाई थे, कांग्रेस के लोग तो हिंदुस्तानी थे, ये तो कर सकते नहीं। रुके रुके रुके, नहीं 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 नहीं, रुके रुके रुके, ये सब बाबर की औलाद है, सेकुलर थे यार। नहीं सेकुलर नहीं, आप आज भी मुख्यालय में देखा है बाबर का फोटो लगा हुआ है राहुल गांधी के, दिल्ली के अंदर आप पीछे बैग में देखेंगे, हाँ वो सब ये बाबर की औलाद। अभी तो जब देश आज़ाद हुआ तो यही मदन मोहन मालवीय जिन्होंने BOHU की स्थापना की थी, वो धर्म के मुद्दे पे, और धर्म के मुद्दे पे उन्होंने इसको छोड़ दिया और हिंदुओं का अपना नया दल बनाया, ठीक है। उसके बाद जो उनके शिष्य थे, जो गोरखपुर के अभी जो महंत जी हैं, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके जो गुरु जी थे, उन्हीं की पिस्टल से महात्मा गांधी की हत्या हुई, दुनिया जानती है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, पर वो पिस्टल गायब हो चुकी थी, महात्मा गांधी की हत्या हो चुकी थी। सोचिए जिस जो वर्तमान मुख्यमंत्री जो संत हैं अभी, उनके गुरुवर के गायब पिस्टल से अगर महात्मा गांधी मर सकते हैं, तो वर्तमान मुख्यमंत्री जो अभी योगी जी हैं, उनके रहते हुए क्या राम मंदिर नहीं बन सकता? बोलिए जय श्री राम। दूसरी बात दैवी बताता हूँ, जब यहाँ के जो जज थे उन अंग्रेजों के समय में, अंग्रेज जब चले गए तो जब देश में जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू हुआ था, नेहरू जी मुख्यमंत्री, नेहरू जी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने, नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनते ही पहला काम ये किया कि पहले तो ये जो यहाँ पे रामलला में जो मंदिर में जो ये मूर्ति प्रकट हुई किसी ने ला के रखी, ये तो शोध का विषय है, लेकिन भगवान राम तो ये इस पर तो शोध नहीं कर सकते, ये तो अकाट्य सत्य है। एक से रुकिए गुरु जी, वहाँ पे जो DM थे उस समय के, कांग्रेस ने हाँ उनको आदेश दिया गया कि आप यहाँ से मूर्तियाँ हटवाइए और यहाँ को इसको बैरिकेडिंग करा के बंद कीजिए। उन्होंने कहा यह मेरे बस का विषय नहीं है, और चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन अभी लागू नहीं हुआ था, इसलिए केंद्र सरकार के पास वो पावर नहीं थी, कलेक्टर के पास पावर थी कि वो हटवा सकता था, बंद करा सकता था। कलेक्टर ने कहा मैं भगवान से लड़ाई नहीं करूँगा, कलेक्टर साहब को जी जाता है। उसके बाद जिस दिन राम मंदिर का ताला खुलने की बात आई थी, फैजाबाद के कोई पांडे जी थे, वो डिस्ट्रिक्ट जज थे, उन्होंने कहा कि घर पे भी मैंने उस बैनर को देखा जो हनुमान जी थे, और अपने जो जहाँ पे वो निर्णय देने वाले थे डिसीजन, वहाँ भी दिन भर जो जज किया जो वो होता है चैम्बर होता है, उसके ठीक ऊपर जो पताका लगी थी बिल्डिंग के ऊपर, उस पताका को एक काला बैनर पकड़ के खड़ा था, और तब तक पकड़ के खड़ा था जब तक फैसला नहीं आया, फैसला खत्म होते ही वो बैनर इनके जज साहब के घर चला गया, जब घर पे गए तो उसी बैनर के हनुमान जी के दर्शन उनके हुए, तब उन्होंने कहा कि हनुमान जी की आज्ञा है कि खोला जाए, उन्होंने आदेश दे दिया था।